गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद पीरियोडिक टेबल. ठीक है, नाउ गाइस रिमेंबर एवरी संडे विल कंडक्ट अ लेक्चर ऑन पीरियोडिक टेबल एंड ऑन ट्यूजडे एंड ऑन सैटरडे विल कंटिन्यू विद गैसियस स्टेट. ठीक है, दो चैप्टर हम लोगों के पैरेलल में चालू है. नाउ ओवर हियर इन केस ऑफ पीरियोडिक टेबल लेट्स स्टार्ट विद देयर सम कॉमन टर्म्स. ठीक है, तो कॉमन टर्म्स इन्वॉल्वड इन पीरियोडिक टेबल कॉमन टर्म. ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है एस ब्लॉक एलिमेंट. गाइस एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से रहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं ग्रुप वन के एंड ग्रुप टू के, याद होगा तुम लोगों को. ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप वन और ग्रुप टू के एलिमेंट आते हैं. अब मुझे बताओ इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है ns 1 और 2. ठीक है, 1 या फिर 2. तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है. अगर तुम लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो नहीं पता तो ये हम लोग बाद में कभी देख लेंगे, डोंट वरी. एस ब्लॉक में मतलब हम लोग जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो तुम लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है, नाउ गाइस थर्ड, इन इन केस ऑफ एस ब्लॉक All are metals. ठीक है, except for hydrogen. ठीक है, तो ये S block हो गया. अब S block के बाद दूसरा block कौन सा आता है guys? S block के बाद दूसरा कौन आता है? S block के बाद second number पे आता है P block element. ठीक है, अब guys P block element में कौन से element आते हैं? तो P block element में ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारे के सारे आते हैं. ठीक है, अब गाइस पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है वो रहती है ns2np1-6. ठीक है, याद रखो एस ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑर्बिटल में जाते हैं एंड पी ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं. ठीक है, बस इसकी वजह से हम लोग वो एलिमेंट उस स्पेसिफिक ग्रुप में ऐड करते हैं. ठीक है, एंड नाउ गाइस ओवर हियर मेटल्स, इसके अंदर मेटल्स भी रहते हैं, मेटलॉइड्स भी रहते हैं एंड नॉन मेटल्स सारे के सारे इसके अंदर रहते हैं, आर प्रेजेंट. ठीक है, कोई शक गाइस? मतलब ये तुम लोगों को जस्ट छोटी मोटी चीज है जो जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं. ठीक है, नाउ गाइस थर्ड आता है डी ब्लॉक एलिमेंट. अब डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन आएंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट में नंबर वन ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक सारे के सारे आते, टोटल 10 ग्रुप आते. कितने आते? 10 ग्रुप. ठीक है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल. नाउ गाइस सेकंड पॉइंट, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी जो रहती है वो रहती है, अब देखो अच्छे से देखना, नोबल गैस. ठीक है, उसके बाद आता है n-1d 1-10 ns 1-2. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे तुम लोगों को कुछ एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन. ठीक है, और इसका एक्सेप्शन रहता है पलैडियम. ठीक है, अब पलैडियम ये निकल के नीचे आता है, निकल का एटॉमिक नंबर रहता है 28 में तुम लोग 18 यस गाइस एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई बट इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया था. इधर हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल?
हेलो, ओके, आई एम ऑडिबल बट माय इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट दैट स्टेबल आई गेस। हाँ तो गाइज, अगेन आई एम नॉट टर्निंग ऑन माय वीडियो, ठीक है। तो गाइज पलाडियम, ठीक है, इन केस ऑफ पलाडियम, इन केस ऑफ पलाडियम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बन जाती है क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर रहता है 36, तो क्रिप्टॉन। देन आफ्टर दैट 4d10 एंड 5s0, ठीक है। तो इसमें एस ऑर्बिटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, ठीक है। ये एक एक्सेप्शनल केस है जो हम लोग वापस नेक्स्ट ईयर डी ब्लॉक एलिमेंट, गाइस याद रखो ये सारे के सारे हम लोगों को टॉपिक से एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। बट ये जस्ट तुम लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ थिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है। एंड ओवर हियर ऑल्सो ऑल आर मेटल्स, ठीक है, ऑल आर मेटल्स। नाउ फोर्थ इज एफ ब्लॉक एलिमेंट। मुझे बताओ गाइज, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक एफ ब्लॉक में ही आते हैं? अब मुझे बताओ गाइज, वो कौन से ग्रुप में आते हैं? मुझे बताओ एफ ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप कौन सा रहता है? तो गाइज याद रखो, ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप थ्री। कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं? ग्रुप थ्री में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड, पीरियड सिक्स में जो प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड। क्या बोलेंगे? लैंथेनॉइड। एंड लैंथेनॉइड जो रहता है गाइस, वो एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक प्रेजेंट है। कितने हैं? एटॉमिक नंबर 58 से लेके 78 तक प्रेजेंट है। 58 वाला सीरियम एंड 71 वाला ल्यूटेरियम, ठीक है। एंड पीरियड 7 वाले को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड। अब एक्टिनॉइड्स जो है वो एटॉमिक नंबर 90 से लेके, ठीक है, एटॉमिक नंबर 90 से लेके प्रेजेंट रहते हैं 103 तक, ठीक है। तो थोरियम से लेके लॉरेंसेनियम तक, ये हो जाते हैं हम लोगों के एक्टिनॉइड्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने लैंथेनम और एक्टिनियम इनको कंसिडर नहीं किया, कोई शक। एंड नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ गाइस, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब क्या? तो देखो, डायगोनल रिलेशनशिप, नाउ गाइस, इन केस ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप यू हैव टू रिमेंबर दैट सम एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स shows similar properties, similar properties to the second element. ऐसे मत देखो, some elements of period 2, ठीक है, to the period 3 element of adjacent group, adjacent group, this property, this is called as diagonal relationship, ठीक है। तो गाइस हम लोगों को डायगोनल रिलेशनशिप कौन से एलिमेंट्स के अंदर स्टडी करना है? तो देखो, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, ठीक है। बाद में बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा। बोरॉन कैन शो डायगोनल रिलेशनशिप विद सिलिकॉन, बट हम लोग ये दोनों में सबसे ज्यादा देखते हैं एंड इन दोनों के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल में लिख दो, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ एंड बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा, ठीक है। तो गाइस चलो कंप्लीट दिस फास्ट।
थियरी का ही पार्ट है. देन विल स्टार्ट विद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. ठीक है, तो कंप्लीट दिस. Yes guys, I think I got disconnected. हीलियम सोडियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखाएगा? वो नॉन मेटल है, वो मेटल है. गाइस जो एग्जांपल लिख के चलो गाइस लिख दो, ये कंप्लीट कर दो फास्ट. ओके गाइस डन हो गया लिख के, आगे बढ़े. तो नाउ नेक्स्ट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. अब इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करने की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज याद रखो, एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 आर यूजुअली मैनुअल. ठीक है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. ठीक है, तो गाइज इनके केस में हुआ क्या? तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैनमेड. अब मैनमेड जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, एंड किसी ने अगर ये एक्चुअल में प्रिपेयर करा भी तो हम लोग डायरेक्ट जाके वहां पे देखेंगे तो मतलब उतने इजीली हम लोग वहां पे पहुंच रहे हैं या फिर वो चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट है. उसने कुछ जो कुछ प्रोसेस है वो एग्जैक्टली हो रही है या इट इज जस्ट द इंटरप्रिटेशन, तो वो हम लोगों को पता चलने तक हम लोग उस एलिमेंट को ना ओके गाइस वीडियो ऑफ ही रखते हैं. नाउ गाइस सेकंड थिंग, सी एलिमेंट एक्चुअल में बना है नहीं बना है वी डोंट नो. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट अगर एक कंट्री है जो बोल रही है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये एलिमेंट बनाया है, सिमिलरली दूसरी जो एक और एक कंट्री है वो भी बोल रही है कि हमारे साइंटिस्ट ने ये कंपाउंड बनाया, तो हम लोगों को मतलब एक कंट्री क्लेम कर रही है मैंने हमारे साइंटिस्ट ने बनाया, दूसरे कंट्री बोल रही है कि नहीं हमारे साइंटिस्ट ने पहले बनाया, तो दोनों कंट्रीज में उसके ऊपर से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं कि हम लोगों को इसको नाम देना है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए, एंड जब तक कन्फर्म नहीं हो जाता कि एग्जैक्टली
नए एलिमेंट का, नए मैनमेड एलिमेंट का ओरिजिन कहाँ पे, तब तक एलिमेंट को कोई नाम ही ना दिया जाए तो तब तक उसको क्या बोले। इसलिए IUPAC ने अपनी खुद की एक मेथड बनाई है, ठीक है, अपनी खुद की एक मेथडोलॉजी डेवलप की है। तो इसमें तुम लोगों को और कुछ नहीं याद रखना है, तुम लोगों को नंबर, ठीक है, एंड उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो, एंड सिमिलरली उसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज करते हैं वो, उतना ही याद रखना, ठीक है। अब गाइस तुम लोगों को पता होगा, तुम लोगों को सिर्फ 10 नंबर के नाम याद रखने पड़ते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 नंबर यूज करके तुम लोग दुनिया का कोई भी नंबर बना सकते हो, इतना तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो गाइस जीरो को हम लोग बोलेंगे निल, क्या बोलेंगे, जीरो को हम लोग बोलेंगे निल, वन को हम लोग बोलेंगे अन, ठीक है, वन को हम लोग बोलेंगे अन, टू को हम लोग बोलेंगे बाय, थ्री को हम लोग बोलेंगे ट्राई, फोर को हम लोग बोलेंगे क्वाड, फाइव को हम लोग बोलेंगे पेंट, सिक्स विल बी कॉल्ड एज हेग्स, सेवन विल बी कॉल्ड एज सेप्ट, एट विल बी कॉल्ड एज ऑक्ट, एंड नाइन इज कॉल्ड एज एन, ठीक है। तो गाइस इसके ऊपर से हम लोग इनके सिंबल्स लिखने वाले हैं। तो जीरो के लिए सिंबल आएगा एन, वन के लिए आएगा यू, टू के लिए बी, ट्राई के लिए ट्री, क्वाड के लिए क्यू, पेंट के लिए पी, हेक्स के लिए एच, सेप्ट के लिए एस, ऑक के लिए ओ, एंड एन के लिए ई, ठीक है। तो बस इतना अगर तुम लोगों को याद रह गया तो बाकी सब कुछ करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो इसको जरा टेबल फॉर्मेट में लिख देते हैं, ये तुम लोग लिख दो। देखो ये नंबर हम लोगों को सिर्फ याद रखना है, अगर ये नंबर हम लोगों को याद हो गए तो बाकी सारी चीजें बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल अगर समझो तुम लोगों को मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर उसका सिंबल, ठीक है, एंड उसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम हम लोग 100 से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ गाइस 100 में 100 है तो 1 के लिए सिंबल क्या आता है, तो 1 के लिए सिंबल आता है यू, ठीक है। अब 0 के लिए क्या आता है, एन एंड एन, तो ये हो गया उन, ठीक है, यू एन एन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यू एन एन। 7 इज कॉल्ड एज हेप्ट, देन व्हाई वी यूज सेप्ट, बिकॉज गाइस यहाँ पे देखो अगर तुम लोग हेप्ट यूज करते तो इसका सिंबल हेक्सेन के लिए भी एच हो जाता, हेक्स के लिए भी एच हो जाता, एंड हेप्ट के लिए भी एच हो जाता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग सेप्ट यूज करते हैं सिंबल डिफरेंट आने के लिए। अब इसका नाम क्या होगा गाइस, तो इसके हम लोग बोलेंगे अन निल निल, करेक्ट बोल रहे हो, तो इसे हम लोग बोलेंगे अन निल निल ईएम, ठीक है। याद रखो गाइस हर एक की एंडिंग तुम लोगों ने अगर देखा होगा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, क्रिप्टोनियम, क्रोमियम, ठीक है, ये सब की एंडिंग जो है वो वाई यू एम से, ईएम से होती है, तो अन निल निल ईएम, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। सिमिलरली गाइस अगर तुम लोगों को 102 दे दिया तो क्या होगा, इसका सिंबल क्या आएगा, यू एन बी। मैं कुछ रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, यू एन बी। अब गाइस इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अन निल निल डीएम। अब गाइस मुझे बताओ ऐसे लिखोगे क्या, ये करेक्ट लग रहा है क्या तुम लोगों को, दो आई आजू बाजू में आते हैं क्या, दो वॉवल्स ऐसे आजू बाजू में आते हैं क्या, तो यहाँ पे तुम लोग डबल आई नहीं लिखोगे गाइस, बीएम में सिर्फ एक ही आई रहने वाले, ये समझ में आ रहा है, देखो ये एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, गेटिंग इट गाइस। डबल नहीं होगा, करेक्ट। अब गाइस सिमिलरली लेट्स अज्यूम आई एम टेकिंग 115, ठीक है। अब 115 के इसमें क्या होगा, अच्छा अन निल बीएम, अन निल बीएम, ओके। तो गाइस 115 के केस में क्या होगा, 115 के केस में 1 मतलब अन, अनदर 1 मतलब अन, एंड 5 मतलब पेंट, तो ये हो जाएगा अन 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 पेंटियम,
एंड अनपेंटियन। गाइज याद रखो इनके बीच में स्पेस नहीं है, तो कुछ लोग मुझे आंसर टाइप करते वक्त स्पेस बीच में रख के बता रहे हैं, तो वहां पे स्पेस नहीं है। ठीक है, एक और ले लेते हैं 118। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यू यू ओ अन अन ऑक्टियम, अन अन ऑक्टियम। गाइज मुझे लगता नहीं है इसमें और एग्जांपल लेके कुछ पॉइंट है, बिकॉज ये ऐसे ही कंटिन्यू करते जाना है, एंड ये कोई बच्चा भी कर लेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे नहीं जाते, बट अगर आ गए तो आई थिंक यू विल बी एबल टू हैंडल दिस नाउ। ठीक है, एंड गाइज एटॉमिक नंबर 118 तक ही है, तो अपने हिसाब से कोई भी गंदा सा नंबर निकाल के, कुछ पॉइंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, व्हाट विल बी द आंसर फॉर 109? चलो एक 109 कर लेते हैं। ओके, तो 109 इस ये हो जाएगा यू यू ई। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अन अन एनियम, खत्म। हाँ, यू एन ई, सॉरी यू एन ई, अरे यार मैं 119 लिख रहा हूँ, सॉरी 109 है, यू एन ई। तो अन निल एनियम, अन निल एनियम, ठीक है गाइस। दिस लैंग्वेज इज नॉट फ्रेंच। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइस नेक्स्ट नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो गाइज ये इतना भी कुछ डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, पहली बात इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नंबर वन व्हेन व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज गिवन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज गिवन। अब गाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर दी होगी तो हम लोग एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे? तो देखो सबसे पोजीशन कैसे निकालेंगे, पोजीशन में हम लोगों को चार चीजें निकालनी रहती है, सॉरी तीन चीजें निकालनी रहती है, एक निकालना रहता है पीरियड। अब पीरियड का नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे पता है? तो पीरियड का नंबर विल फाइंड आउट बाय यूजिंग हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ गाइज डोंट वरी एट ऑल, ये सिर्फ रूल्स लिखते जाओ, हम लोग जब एग्जाम्पल लेंगे तो तुम लोगों को ये पता चल जाएगा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल गिव अस पोजिशन ऑफ पीरियड। अब सेकेंड नंबर पे आता है ग्रुप। अब ग्रुप जो है अगर एस ब्लॉक होगा, ग्रुप जो है अगर एस ब्लॉक होगा तो हम लोग लिखेंगे ग्रुप नंबर फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। ठीक है, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेके हम लोग ये निकालेंगे। अब अगर पी ब्लॉक होगा, अगर पी ब्लॉक होगा तो हम लोग करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल प्लस 10, सॉरी 10 नहीं प्लस 12। ठीक है, अब गाइस याद रखना पी ऑर्बिटल जो है वो पहले एस बाद में डी एंड बाद में पी आता है, तो एस के दो ऑर्बिटल, डी के 10 ऑर्बिटल एंड फिर ऑर्बिटल आता है पी, तो 2 + 10 = 12, तो वो 12 यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आता है गाइस बी ऑर्बिटल। मुझे बताओ गाइस डी ब्लॉक के केस में डी ब्लॉक के पहले कितने ग्रुप्स आते हैं?
डी ब्लॉक के पहले कितने ग्रुप आते हैं? इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल प्लस, दो ही आते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। ये ऐसे तुम लोग याद रखो, एस ऑर्बिटल आता है ना पहले उसके, तो ऐसे याद रखो, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल प्लस टू, वो तुम लोगों के ऊपर है तुम लोगों को कैसे करना है। एंड गाइस एफ ब्लॉक मुझे बताओ, एफ ब्लॉक ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहता है? एफ ब्लॉक ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहता है? तो इट इज प्रेजेंट इन ग्रुप थ्री, तो थर्ड ग्रुप खत्म, ठीक है। एंड फाइनली तुम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है ब्लॉक कि ये कौन से ब्लॉक के अंदर है। तो ब्लॉक के लिए मैंने क्या बताया था गाइस, ब्लॉक के लिए हम लोगों को आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है वो देखना है, ठीक है। तो ब्लॉक इज द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। अब गाइस ये जो है, ये रूल्स अभी के लिए मैंने एज अ फॉर्मेलिटी लिख के दे दिए है, बट एग्जाम में ये रूल्स की तुम लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू हैव ड्रॉन होल कंप्लीट पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी, ठीक है। गाइस मैंने तुम लोगों को बता के रखा है पीरियोडिक टेबल विद इन 2 मिनट्स लिख के हो जाना चाहिए, ठीक है यार। ऐसा कुछ मैंने रूल तुम लोगों को बताया था, क्योंकि कोई फॉलो किया है इसको, इसने प्रैक्टिस की है पीरियोडिक टेबल 2 मिनट के अंदर ड्रॉ करने की। तो देखो गाइस वापिस एक बार मैं यहाँ पे तुम लोगों को पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे था, है ली ना की कब से पर्याप्त, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है। उसके बाद था क्या था गाइस, उसके बाद था स्कूटी वाले गाइस, ये हैंड रेस और हैंड्स डाउन मत किया करोगे बार बार, स्कूटी वाले काका मने पे को नी कॉपर एंड जिंक, ठीक है। देन यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह में पड़े अगर कोई, उसके बाद था ला अपता वरना रे उसामा से रात में पिटवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है बोरॉन मतलब बैगेट, तो बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम हेलियम। फिर आता है केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम्स। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। फिर आता है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेरियम पोलोनियम। देन क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन एस्पिरिन। फिर आता है हीना नीना और करीना एजरॉक्स रंगीन, ठीक है। इतना होने के बाद तुम लोगों को निकालने हैं, यहाँ पे एक्टिनियम रहता है और रदफोडियम रहता है, इतना याद रखोगे तो भी सफिशियंट है। फिर आता है लाल श्रीयासा प्रसाद नंदू ने प्राइम मिनिस्टर श्रीमती यूरोपियन गांधी चा टेबलावर दिला होता। इराक्सा तंबाकू याकूब ने लुटला, ठीक है। देन एटीपी यूएनपी यूएनपी एसीबीसी एफ एम एन एल, ठीक है। तो गाइस आई नो मैंने अभी 2 मिनट से ज्यादा टाइम लिया होगा शायद से, बिकॉज मैंने आराम से पीरियोडिक टेबल निकाला है, ठीक है। अगर तुम लोग एकदम फास्ट ना चाहते हो, जरा आराम से भी ड्रॉ करोगे तो भी ये 2-2.5 मिनट में हो जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली मुझे 2 मिनट ही लगेंगे रहेंगे, बट आराम से लिखते वक्त मुझे तो लगा कि थोड़ा सा टाइम मैंने ज्यादा लिया रहेगा नॉर्मल से, ठीक है। तो गाइस अगर ये पूरा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों की आंखों के सामने है एंड तुम लोगों को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे क्या?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम लोगों को ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूँ, देखो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो लेट्स अज्यूम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नंबर वन आर्गन 3s1। तुम लोगों को इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मुझे पीरियड बताना है, ये पीरियड बताने के बाद तुम लोगों को मुझे इसका ब्लॉक बताना है एंड ब्लॉक बताने के ग्रुप बताना है एंड ग्रुप बताने के बाद तुम लोगों को मुझे इसका ब्लॉक बताना है। अब गाइस आर्गन 3s1 मुझे बताओ आर्गन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, आर्गन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए बताओ जरा, मतलब एग्जाम में तुम लोग अगर हो और तुम लोगों ने पीरियडिक टेबल निकाल कर रखा है तो ये कैसे तुम लोग निकाल सकते हो, देखो एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, आर्गन 3s1 व्हाट इज द पीरियड, व्हाट इज द ग्रुप एंड व्हाट इज द ब्लॉक ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। तो गाइस आर्गन के बाद डायरेक्ट 3s1 है तो आर्गन के बाद एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन सा हो गया, पोटेशियम हो गया। मुझे बताओ गाइस पोटेशियम कौन से पीरियड में आ रहा है, पोटेशियम कौन से पीरियड में आ रहा है, 1 2 3 4 कौन से पीरियड में आ रहे हैं बताओ जरा, पोटेशियम आ रहा है 4th पीरियड में, दिख रहा है क्या सबको पोटेशियम 4th पीरियड में आ रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4। कौन से ग्रुप में आ रहा है तो वो 1st ग्रुप में आ रहा है एंड कौन से ब्लॉक में आ रहा है तो गाइस वो एस ब्लॉक में आ रहा है। बस ये तुम लोग एग्जाम में डायरेक्टली लिख पाओगे अगर तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल पहले से ड्रॉ करके रखा है, गाइस ये समझ में आ रहा है, अगर तुम लोगों के आंखों के सामने पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा है तो तुम लोग ये डायरेक्टली लिख पाओगे और अगर नहीं पढ़ा है तो भी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम पे कैसे सॉल्व होगा वो दिखाता हूँ। देखो गाइस तो दूसरा देके रखा है तुम लोगों को क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन के बाद दे हैव गिवन अस क्रिप्टॉन के बाद समझ लो 3d10 4s2 4p3, ठीक है। तो गाइस अब पहली बात विदाउट पीरियडिक टेबल ये कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। पीरियड फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या बता के रखा है, पीरियड फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुझे बताओ गाइस हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 3 4 4, इसमें सबसे बड़ा क्वांटम नंबर कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा क्वांटम नंबर कौन सा है, यस यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, करेक्ट बोल रहा, दिस शुड हैव बीन 4s1, दिस शुड हैव बीन 4s1, ये 4s1 रहना चाहिए था, ओके तो मुझे बताओ गाइस यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 4 है तो गाइस पीरियड बन जाएगा 4, पीरियड बन जाएगा, ओके यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिखते वक्त मिस्टेक किया है गाइस, यस यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन लिखते वक्त मिस्टेक किया है, कर रहा हूँ मैं ऐसे, तो ये आएगा 4d10 5s2 एंड 5p, ठीक है, ओके तो अब गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा क्वांटम नंबर कौन सा आएगा, 5 आएगा, वेरी नाइस, ये 5 आ गया। अब ग्रुप गाइस ग्रुप में अगर देखो ग्रुप में मैंने क्या लिखा है, पी ब्लॉक अगर होगा तो पी ब्लॉक के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल प्लस 12 करना है, मुझे बताओ यहाँ पे ये फाइनली पी ब्लॉक ही दिख रहा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक ऑर्बिटल में जा रहा है, पी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये हो गया पी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के लिए क्या बताया मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल जो है 3, 3 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 3 में हम लोग 12 ऐड करेंगे तो 3 + 12 कितने हो जाएंगे, 15, 3 + 12 कितने हो जाते हैं तो वो हो जाते हैं 15, आर यू गेटिंग इट। अब अगर इस एलिमेंट का नाम पूछा तो तुम लोग क्या करोगे, देखो एग्जाम में तुम लोगों के पास पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पहले से रेडी रहने वाला है, अब गाइस पूरा पीरियोडिक टेबल अगर रेडी होगा तो व्हाट वी कैन डू, एकदम सिंपल मेथड है, देखो अच्छे से देखना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल है, मुझे बताओ क्रिप्टॉन के बाद 10, 2 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्रिप्टॉन के बाद 15 एलिमेंट हो इलेक्ट्रॉन हो गए, क्रिप्टॉन के बाद ये क्रिप्टॉन हो गया, उसके बाद ये 2 और ये 10, 12 हो गए, फिर 13, 14, 15 दिस इज योर एलिमेंट। अब ये एलिमेंट जो है वो कौन से ग्रुप में आप पीरियड में आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5th पीरियड में आ रहा है, ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये 18 है,
ये 17 है, ये 16 है और ये 15 है, और ये 15 ग्रुप में आ रहे हैं। अरे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में घुस रहा है? तुम लोगों को कुछ भी झंझट लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम लोगों के पास पहले से पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉन है। शुड आई गिव यू सम मोर क्वेश्चन? इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन लो और चलो गाइस ये लिख दो ज़ेनॉन, और एक क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज ज़ेनॉन, ये समझ में आ रहा है ना गाइस? ज़ेनॉन 4F7 5D1 6S2। अब गाइस ये तो एकदम मस्त हो जाता है। पहली बात मुझे बताओ इसमें पीरियड कौन सा आएगा, इसका पीरियड कौन सा रहेगा, इसका पीरियड कौन सा रहेगा? सिक्स पीरियड होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका पीरियड हो गया सिक्स। अब गाइस मुझे बताओ इसका ब्लॉक कौन सा है, इसका ब्लॉक बताओ, ग्रुप बाद में सोचेंगे, पहले इसका ब्लॉक बताओ। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है? तो गाइस यहाँ पे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे ये लास्ट एस ऑर्बिटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 4F का लास्ट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है क्या? नहीं, ये हाफ फिल्ड है। लेट मी एक्सप्लेन इट। ऊपर हम लोगों के पास पीरियोडिक टेबल है, वो हम लोग समझते हैं। ज़ेनॉन, ज़ेनॉन के बाद एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये दिख रहा है क्या? ज़ेनॉन के बाद एस ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हो गया 5S2 6S2। उसके बाद गाइज लैंथेनम आता है, तो ये हो गया 5D1। अरे मेरी भावनाएं पहुंच रही है। एंड उसके बाद गाइज 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां इलेक्ट्रॉन। तो कौन आ रहा है गाइज? उसके बाद इधर आगे मत जाओ, ये नहीं, फिर F ऑर्बिटल है, तो गैडोलिनियम। अरे कुछ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़ेनॉन के बाद पहले आता है S ऑर्बिटल, उसके बाद लैंथेनम जो D में है, एंड उसके बाद लैंथेनम से F ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, तो ये हो गया गैडोलिनियम। तो मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में घुसा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन घुसा F ऑर्बिटल में। एंड गाइस मुझे बताओ F ऑर्बिटल के लिए ग्रुप कौन सा रहता है, F ऑर्बिटल के लिए ग्रुप कौन सा रहता है, F ऑर्बिटल के लिए ग्रुप कौन सा रहता है? थर्ड ग्रुप रहता है। वेरी नाइस, F ऑर्बिटल के लिए हमेशा ग्रुप रहने वाला है थर्ड, दैट्स इट। ठीक है, एंड तुम लोगों को अगर एग्जाम में इसका सिंबल पूछा है तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये अपना गैडोलिनियम था, GD था। ठीक है, गेटिंग इट? और एक एग्जाम्पल लेते हैं चलो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोर्थ एग्जाम्पल इज ओके, तो आर्गन। ठीक है, 3D5 4S1। अब गाइज मैं जो भी है वो थोड़े से अलग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कॉमन एग्जाम्पल अगर लूंगा तो तुम लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। कॉमन एग्जाम्पल मतलब ये ऊपर वाले दो जो थे ना वो एकदम कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, अब थर्ड एंड फोर्थ जो है वो थोड़े से यूनिक एग्जाम्पल है। अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड कौन सा आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। अरे वाह मानस, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया है, देख लो। तो यहाँ पे पीरियड कौन सा आएगा? अरे रुको, डायरेक्ट तुम लोग पीरियड टेबल से आंसर निकाल सकते हो, बट यहाँ पे पीरियड आएगा 4। वेरी नाइस, अब यहाँ पे ब्लॉक कौन सा आएगा, यहाँ पे ब्लॉक कौन सा आएगा? तो यहाँ पे डी ब्लॉक हो जाएगा। एंड डी ब्लॉक के लिए मैंने क्या बताया, डी के इलेक्ट्रॉन और एस के इलेक्ट्रॉन। ऊपर जाके देखना गाइस, डी ब्लॉक के लिए मैंने क्या बता के रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, दोनों की एडिशन कर दो। तो दोनों की एडिशन कर दो गाइस, कितनी हो रही है? तो इसका पीरियड नंबर आ जाएगा 6, इसका पीरियड नंबर आ जाएगा 6। अब ये तुम लोग पीरियोडिक टेबल से कैसे सॉल्व कर पाते? देखो आर्गन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये आर्गन है, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये हो गया हम लोगों का क्रोमियम। अब गाइस क्रोमियम कौन से और पीरियड में आता है, तो 1 2 3 4, इट कम्स इन फोर्थ पीरियड। ये कौन से ग्रुप में आता है, 1 2 3 4 5 6, इट कम्स अंडर 6th ग्रुप।
एंड ये कौन से ब्लॉक में आता है, तो इट कम्स अंडर डी ब्लॉक। अगर एग्जाम में तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बना के रखा है तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बट अगर तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया है एंड फिर तुम लोग कुछ विदाउट सीइंग कुछ सिली मिस्टेक करके आ रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल है इसका, ज़ेनॉन 4F0 5D0 6S2। चलो ये करो, एंड लास्ट एग्जाम्पल ज़ेनॉन 4F0 5D0 6S2 6P2, ये दो करो। चलो सॉरी, यहाँ पे 0-0 नहीं आएंगे, 4F14 5D10 6S2 6P2। How Kn is 6 element ahead of chromium? Kn क्या है? अच्छा, how you know? Guys, ये short form at least यहाँ पे use मत किया करो, chat नहीं कर रहे तुम लोग मेरे साथ, मतलब we are chatting but not as a friend. Okay, तो how do we know कि it is 6 element ahead of chromium? Chromium argon, ठीक है? तो यहाँ पे 5, देखो ये 5+1, ये ऊपर वाले नंबर के एडिशन कर दो, 5+1 6 हो जाती है, तो क्रोमियम के 6 एलिमेंट आगे हम लोगों को लेके जाना है। अब यहाँ पे ज़ेनॉन के कितने एलिमेंट आगे हम लोग लेके जाएंगे, तो 14, बट ये एफ ऑर्बिटल के 14 है तो इसको काउंट प्लीज मत करना, क्योंकि एफ ऑर्बिटल नीचे आता है, उसको हम लोग छोड़ देंगे। फिर 10, 2 और 2 कितने हो गए, 14, तो ज़ेनॉन के 14 और ग्रुप्स आगे हम लोगों को लेके जाना है। ठीक है, ओके, तो गाइस बताओ यहाँ पे पीरियड कौन सा आएगा? फर्स्ट एग्जांपल में पीरियड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, तो यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे ब्लॉक कौन सा आएगा, तो गाइस लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जा रहे हैं, एस ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो ये एस ऑर्बिटल हो जाएगा। एंड यहाँ पे ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, तो ये 2 हो जाएगा, दैट्स इट। देखो एज सिंपल एज दैट। अब गाइस यहाँ पे 6th वाले में सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो ये 6 ही हो जाएगा, क्वांटम नंबर 6, तो पीरियड भी 6। अब गाइज यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, तो ये पी ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा। एंड पी ऑर्बिटल के लिए 2+12 करना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग कितना ऐड करते हैं, 12 ऐड करते हैं, तो 2+12 कितना हो जाएगा गाइज, 2+12 हो जाएगा 14, 2+12 हो जाएगा 14, ग्रुप बन गया 14। गाइज ये समझ में आ रहा है, देखो ये रूल वाइज अगर तुम लोग जाओगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा, पीरियड टेबल से अगर जाओगे तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर आने ही वाला है। ठीक है, चलो राइट इट डाउन फास्ट। गाइस 5th वन देख लो, देखो मेरे पास ज़ेनॉन है, ठीक है, मेरे पास ज़ेनॉन है और ज़ेनॉन के आगे सिर्फ 6s2 है, तो ज़ेनॉन के आगे और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कौन सा एलिमेंट हो गया, ये हो गया बेरियम। अब बेरियम के केस में अगर तुम लोग देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कौन से पीरियड में आ रहा है, ये 6th पीरियड में आ रहा है, ये कौन से ग्रुप में आ रहा है, ये 2nd ग्रुप में आ रहा है, एंड ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है, ये एस ब्लॉक में आ रहा है, खत्म। ठीक है, तो बस तुम लोगों को इतना ही यूज करना है गाइज, पीरियोडिक टेबल अगर तुम लोगों ने बना के रखा है तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, अगर नहीं बना के रखा है तो ये क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड आ गया तो तुम लोगों को पक्का डिफिकल्टी हो सकती है। व्हाई वी डिड नॉट काउंट एफ ब्लॉक, बिकॉज गाइज ये एफ ब्लॉक नीचे की तरफ आता है ना, ये एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे नीचे की तरफ आता है, तो इसे हम लोग कैसे काउंट करेंगे। देखो ज़ेनॉन के बाद तुम लोग एफ ब्लॉक कभी भी काउंट नहीं करोगे, तुम लोग सिर्फ 10+2+2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, तो ज़ेनॉन के बाद 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डी ऑर्बिटल के, 10 इलेक्ट्रॉन एंड बाद में फिर 2+10 12 12 और ये 2 मतलब ये 14, तो दिस वन इज
माय एलिमेंट लेड, ठीक है, सिक्स्थ वाले में लेड है, सिक्स्थ में आपने ग्रुप को 12Q लिखा, ग्रुप में 12Q प्लस किया, अरे मैं वही बोल रहा हूँ, देखो अगर एलिमेंट की एंडिंग पी ब्लॉक से होती है तो पी ब्लॉक में हम लोग 12 ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज ग्रुप में देखो पीरियड में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये पी ब्लॉक के जो दो इलेक्ट्रॉन है लेड में, ये दो इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक के आने के पहले एस ब्लॉक के दो और डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट ऐड होते हैं, आर यू गेटिंग इट, एस ब्लॉक के दो एलिमेंट और पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट ऐड होते हैं, तो टोटल 12 एलिमेंट्स आर देयर, टोटल 12 एलिमेंट्स आर देयर, ओके मानस, फॉर दैट पर्पज यू विल हैव टू सी आर फर्स्ट लेक्चर, आई थिंक यू आर एब्सेंट इन फर्स्ट लेक्चर, देख लेना एक बार, एफ के एलिमेंट का क्या होगा गाइस, एफ के एलिमेंट ये तो यहाँ पे नीचे की तरफ है ना, उनको हम लोगों को काउंट करना ही नहीं है, तुम लोग एक बार वापस फर्स्ट जो लेक्चर था वो देख लो अच्छे से, कौन से एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, कौन से पोजीशन पे आते हैं, उनके एटॉमिक नंबर भी हम लोगों ने कैसे क्या असाइन किए थे, एक बार चेक कर लेना, यू विल गेट इट, ओके। अब नेक्स्ट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर दी रहेगी, देखो फर्स्ट था व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, बट अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना देते हुए बहुत सी बार दे विल जस्ट गिव यू एटॉमिक नंबर, तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आता है व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन, ठीक है, व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। अब गाइस ऐसे वाले क्वेश्चन में तुम लोगों को हमेशा सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तो लेट मी टेक अ रैंडम नंबर, कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, तुम लोग मुझे बताओ कोई भी एक रैंडम नंबर दो, तुम लोग मुझे बताओ कोई भी एक रैंडम नंबर दो, 32, चलो नंबर आया है 32, ठीक है। अब गाइस 32 ये तुम लोगों को मिलने के बाद, मतलब एग्जाम में 32 नंबर तुम लोगों को मिल गया, अब 32 जो है वो मिलने के बाद तुम लोगों को मैजिक नंबर यूज करना है, याद रखो इसके लिए तुम लोगों को मैजिक नंबर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मैजिक नंबर इज यूज, मैजिक नंबर इज यूज। अब यहाँ पे अगेन तुम लोगों को 32 के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना है, 32 के लिए तुम लोगों को पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक एंड वो एलिमेंट खुद क्या है वो फाइंड आउट करना है, चलो जरा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो एलिमेंट खुद क्या है वो भी फाइंड आउट करना है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है गाइस, मैजिक नंबर तुम लोगों को पता है क्या रहता है, हीलियम, देखो यहाँ पे क्या आता है, मैजिक नंबर आता है 8, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इतना सिर्फ लिख देना गाइस, सफिशियंट हो जाएगा। एटॉमिक नंबर सिर्फ किसके लिखोगे हम, तो तुम लोग एटॉमिक नंबर सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस लिखोगे, तो 2, 2 plus 8, 10, 10 plus 8, 18, 18 plus 18, 36, 36 plus 18, 54, 54 plus 32, 86। अब गाइस मुझे बताओ तुम लोगों ने 32 नंबर सिलेक्ट किया है, तो 32 नंबर किसके पहले आएगा, 32 नंबर किसके पहले आएगा, 32 नंबर ऑब्वियसली क्रोमियम के क्रिप्टॉन के पहले आएगा, तो 35 देखो ये 35 हो गया, ये 34 हो गया, ये 33 हो गया, एंड तुम लोगों ने जो 32 सिलेक्ट किया है वो ये 32 जर्मेनियम हो गया, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ ये जर्मेनियम कौन से पीरियड में आया, ये जर्मेनियम कौन से पीरियड में आया, बताओ गाइस जर्मेनियम कौन से पीरियड में आ रहे हैं, जर्मेनियम कौन से पीरियड में आ रहे हैं, बोलो चलो फोर्थ पीरियड में आ रहे, करेक्ट बोल रहे हो, तो ये फोर्थ पीरियड में आ रहे, दिस कम्स अंडर फोर्थ पीरियड। अब मुझे बताओ इसका ग्रुप क्या आया, जर्मेनियम का ग्रुप क्या आया, काउंट करो कार्बन की फैमिली कौन सी रहती है, कार्बन का ग्रुप 14th रहता है, तो ये 14th ग्रुप में आया, करेक्ट है, एंड ये कौन से ब्लॉक में आया, तो ये पी ब्लॉक में आया, और ये एलिमेंट कौन सा था, तो इट वॉज जर्मेनियम, गेटिंग इट। अब इसके बाद 118 किसी ने तो चूज किया था, चलो 118 देख लेते हैं, पर 118 नहीं 111। अब गाइस 111 के लिए तुम लोगों को और एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक एलिमेंट मतलब कौन सा, तो रेडॉन के बाद जो एलिमेंट आता है, रेडॉन के बाद आता है ऑजेंसेनियम, ठीक है, रेडॉन के बाद आता है ऑजेंसेनियम, यूजुअली इसके बारे में तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आ गया तो
अब ऑजिन सेनियम जब आया तो 86 प्लस 32 इसका एटॉमिक नंबर हो जाता है 118, ठीक है। एंड तुम लोगों ने सिलेक्ट किया है 111, तो गाइस देखो 118 के पहले आएगा 117, 116, 115, 114, 113, 112 एंड 111। तो मुझे बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से पीरियड में आया, मुझे बताओ ये फर्स्ट ऑफ ऑल 111 एलिमेंट जो तुम लोगों ने सिलेक्ट किया है वो कौन से पीरियड में आया। ये 7th पीरियड में आया, वेरी नाइस। चलो ये ऊपर वाली चीजें पहले इरेज कर देते हैं, ये यहाँ पे आया, इट इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो ये 7th पीरियड में आया, परफेक्ट। अब मुझे बताओ गोल्ड ये कौन से फैमिली में आ रहे हैं, ये कौन से ग्रुप में आ रहे हैं, ग्रुप 11 है ये, परफेक्ट। काउंट करते जा रहे हो ना गाइस, यहाँ पे काउंट करते आओगे तो तुम लोगों को ग्रुप 11 अपने आप मिलेगा, 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो ग्रुप 11, तो ये ग्रुप 11 में आया। एंड ब्लॉक कौन सा है इसका, तो इसका ब्लॉक है डी ब्लॉक। इस एलिमेंट का नाम क्या आएगा, तो इस एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे अननियम, यू यू यू, खत्म। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है। देखो तुम लोगों को पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना है, पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने के बाद तुम लोगों को ये आंसर इजीली आ जाते हैं, बट अगर तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ नहीं किया तो ये आंसर इजीली नहीं आते, ठीक है। तो ओके गाइस, राइट इट डाउन फास्ट, चलो खत्म कर दो इसको लिख के, बाकी इसमें एग्जांपल लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद जरा प्रैक्टिस करना। एंड हाँ गाइस, जब कभी पीरियोडिक टेबल की एग्जाम हम लोग क्लासेस में भी कंडक्ट कर रहे हैं, मेक श्योर तुम लोग अपने रफ बुक में या फिर किसी भी जगह पे पीरियोडिक टेबल बना के रखो, ठीक है। कॉपी तो बिल्कुल ना करो, खुद से एग्जाम के पहले मतलब हमारे डेमो टेस्ट मतलब जो वैट और डैट होती है उनके पहले भी पीरियोडिक टेबल बना के रखना, मतलब एग्जाम स्टार्ट होने के बाद ही 2 मिनट के अंदर, एंड उसके बाद तुम लोग आगे बढ़ना, ठीक है। चलो गाइस, और एक कोई तो एक रैंडम नंबर दे दो, और एक क्वेश्चन करते हैं, कोई एक रैंडम नंबर दे दो, चलो बताओ। विल डू वन मोर क्वेश्चन। 79 एक्चुअली गोल्ड का ही नंबर होता है, तो 79 नहीं लेते, चलो 79 नहीं, 95, ओके चलो 95 ले लेते हैं, 95, ठीक है। 79 जो है वो गोल्ड का नंबर है, तो सेम फैमिली आ जाती, 95 ले लेते हैं। अब गाइस 95, मुझे बताओ 95 ये किसके बाद लोगे। अब 118 से पीछे मत जाना, 86 से आगे भी जा सकते हो, तो 86 के आगे चले जाओ। 86 के बाद क्या आया, 86 के बाद आया 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 एंड 95। कुछ समझा। एक्टिनियम के बाद प्लीज थोरियम पे चले जाना, अगर तुम लोग रदरफोर्डियम एंड उसके आगे लेके जाओगे तो खत्म है बात, फिर तुम लोग डेफिनेटली गलत चले जाओगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये अगेन कौन से पीरियड में है, मुझे बताओ ये एक्टिनियम की फैमिली कौन से पीरियड में आती है, तो ये 7th पीरियड में आती है। अब मुझे बताओ ये एफ ब्लॉक है, तो एफ ब्लॉक का ग्रुप क्या रहता है, तो सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट 3rd ग्रुप में रहते हैं। अब मुझे बताओ इसका ब्लॉक एफ ब्लॉक हो गया एंड इसका नाम अमेरिसियम हो गया। समझ में आ रहा है गाइस, तुम लोगों को ये मैजिक नंबर फॉलो करके फिर एक तो आगे जाना है या फिर पीछे आना है, यूजुअली जिधर से जो नंबर जल्दी आएगा उधर से स्टार्ट करना, ठीक है। मानस दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, चलो गाइस ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स।
ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स देखो क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये इतना। ठीक है, अब गाइस ये कैसे करोगे बताओ, ये कैसे करोगे, कैसा आएगा? तो गाइस याद रखो, पीतल पीतल चांदी सोना। ठीक है, बाय द वे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मुझे बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर तुम लोगों के एग्जाम में आ जाए, ये चार एलिमेंट तुम लोगों को भरने हैं, एंड तुम लोगों ने पहले से पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके रखा है, तो गाइस तुम लोगों को ये क्या दिखेगा नहीं कि यार ये सिल्वर है, सिल्वर के बाजू में आता है सीडी कैडमियम, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आता है पलाडियम, उसके ऊपर आता है कॉपर, एंड उसके नीचे आता है सिल्वर सॉरी गोल्ड। ये तुम लोग डायरेक्ट देख के आंसर निकाल पाओगे, बट अगर तुमने ड्रॉ नहीं किया है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। तुम लोग को समझ में आ रहा है पीरियोडिक टेबल पहले से लिख के रखने के एडवांटेजेस क्या है? कॉपर चांदी सोना, ठीक है, एंड फिर रुकावटे राह में पड़े अगर कोई। ठीक है, अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। गाइस तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्यों बार बार बोलते जा रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल बना के रखना, पीरियोडिक टेबल बना के रखना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एंड जब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तब हम लोगों का दिमाग काम करना बंद होता है। एग्जाम के प्रेशर में 118 एलिमेंट उस मोमेंट पे याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बट अगर तुम लोगों ने एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही, मतलब जस्ट एग्जाम स्टार्ट हुई है और तुम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करके रख दिया है, तो तुम लोगों को ये एक्चुअल में बहुत ईजी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्सेनिक दे दिया है, अब तुम लोगों को वहां पे ये भी याद नहीं आएगा कि आर्सेनिक ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी इसका पार्ट है। ठीक है, बट अगर तुम लोगों को पहले से ये पता होगा कि यहाँ पे ये आर्सेनिक दिख रहा है, तो उसके ऊपर वाले दो एलिमेंट और उसके नीचे वाले दो एलिमेंट मुझे ड्रॉ कर रहे हैं, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, गेटिंग इट, आगे बढ़े। यस गाइस बताओ, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो आज रिस्पांस वैसे बहुत कम आ रहा है, मतलब मुझे पता नहीं है कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है और कितने लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, बट रिस्पांस जैसे आना चाहिए वैसे नहीं आ रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहे हैं तो रिस्पॉन्स भी थोड़ा आना चाहिए ना तुम लोगों की तरफ से। मैं इतना फास्ट जा रहा हूँ कि तुम लोगों को लिखने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम लोग टाइप नहीं कर पा रहे। तो नाउ गाइस नेक्स्ट इज ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नाउ गाइस इन केस ऑफ ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नंबर वन विच वी आर गोइंग टू लर्न इज शील्डिंग इफेक्ट, स्लैश स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। नंबर टू जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है। नंबर थ्री विच विल लर्न इज आयनिक रेडियस, नंबर फोर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, नंबर फाइव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
नंबर सिक्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इसमें ही बीच में किधर तो मैं ऐड करूंगा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अब ये पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट एट जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड रिड्यूसिंग नेचर, जो इस चैप्टर में हम लोग ज्यादा नहीं देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। नंबर नाइन्थ जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एसिडिटी एंड बेसिसिटी। इतना सब करके फिर चैप्टर खत्म होगा। अब याद रखो इसमें गाइस हम लोगों के पहले 5 पॉइंट, पहले 6 पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर तक उधर तक तुम लोगों को अगर समझ में आ गया तो बाकी के जो 3 पॉइंट बचते हैं वो ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक एकदम अच्छे से समझ के लेना है हर एक चीज, कोई शक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ही शील्डिंग इफेक्ट रहता है गाइस। देखो तुम, आई नो तुम लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख के आते रहोगे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। पहले के लेक्चर की वीडियोस देख रहे हो तो और अच्छी बात है, ठीक है, तुम लोगों को यहाँ पे और अच्छे से समझेगा। बट मैंने पहले जो पढ़ाया था वैसे ही एग्जैक्ट सेम वापिस पढ़ाया जाए ऐसा कंपल्सरी नहीं रहता गाइस, ऑब्वियस है। थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा, पहले मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख के दिया होगा, बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है, सेम एग्जैक्टली सेम तो कोई पढ़ा नहीं सकता हर टाइम। ओके तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस न्यू फ्रेश टॉपिक विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू एट 8:45। चलो तो 8:45 को मिलते हैं।
यस गाइस, ब्रेक टाइम इज ओवर, सो शुड वी कंटिन्यू? नाउ गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ठीक है, तो वन इज शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्टिव, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट. Also called as screening effect. Shielding effect को हम लोग SE ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? SE. अब SE का meaning क्या है? So the ability of inertial electrons to shield outer shell electrons from nuclear charge is called as shielding effect. ठीक है, shielding effect is also called as screening effect. Now guys, what is the meaning of this? एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे इसके ऊपर रहता है, मतलब बीच में समझो मेरे पास एक कोई एलिमेंट है, मेरे पास एक मोनो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है. ठीक है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक या फिर यूनि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है. अब गाइस, अगर मेरे पास कोई मोनो इलेक्ट्रॉनिक या फिर यूनि इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है तो होगा क्या? यहाँ पे एक प्रोटॉन है एंड उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन है. अब मुझे बताओ गाइस, सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ. ठीक है, समझो कि किसी की शादी हो गई है और उसकी सिर्फ एक ही वाइफ है, तो उसका सारा ध्यान या फिर उसका सारा अटेंशन उसकी वाइफ की तरफ ही जाएगा क्योंकि उसके पास एक ही वाइफ है. तो यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस प्रोटॉन का सारा अट्रैक्शन जो है इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सारा अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट अगर इसने ये गलती कर दी कि एक शादी के बदले 10 शादियां कर दी, तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक से ये क्या बन जाएगा? ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगा. अब गाइस, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में मेरे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये प्रोटॉन है एंड प्रोटॉन के आजू बाजू में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, तुमने सुना होगा ना, वो पहले के जमाने के वो राजा वाजा बहुत बहुत शादियां करते थे. ठीक है, 10-20. तो अब मुझे बताओ, अगर एक से ज्यादा शादी कर ली है तो ऑब्वियस है, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आजू बाजू में, सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देन 1, 2 एंड 3. अब मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो जो बीच में प्रोटॉन है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? यहाँ पे बीच में जो प्रोटॉन है वो सबसे ज्यादा किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? एकदम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट करेगा या एकदम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट करेगा? बताओ जरा, मैक्सिमम अट्रैक्शन किसके साथ रहेगा? इनर मोस्ट के साथ या आउटर मोस्ट के साथ? ऑब्वियसली इनर मोस्ट के साथ. एंड ये इनर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रोटॉन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे. फिर बाहर वालों को
प्रोटोनिक चार्ज थोड़ा सा कम जाएगा, ये देखो ये समझ में आ रहा है क्या, ये बाहर वालों को प्रोटोनिक चार्ज थोड़ा कम जाएगा, एंड ये वाले देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटोनिक चार्ज और कम हो जाएगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन बीच में है तो यहाँ पे प्रोटोनिक चार्ज और थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन भी होने वाला है। ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ गाइस, प्रोटोनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन ने जितना हो सके उतना, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने जितना हो सके उतना एब्जॉर्ब कर लिया। अब बाहर के ये जो तीन इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बाहर के ये जो तीन इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इनके पास बहुत कम प्रोटोनिक चार्ज जाएगा, करेक्ट और रॉन्ग? देखो अंदर वाले ने प्रोटोनिक चार्ज शील्ड कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, आर यू गेटिंग इट? अंदर वालों ने प्रोटोनिक चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया, तो अभी बाहर वालों के पास प्रोटोनिक चार्ज जो जाएगा वो एकदम ही कम जाएगा, गेटिंग इट और नॉट? ये समझ में आ रहा है? एंड गाइज, इसे हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। देखो शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है, द एबिलिटी ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी टू शील्ड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड करना, मतलब क्या, तो प्रोटोनिक चार्ज से दूर लेके जाना या फिर उनको प्रोटेक्ट करना, काइंड ऑफ इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, गेटिंग इट और यू हैव एनी डाउट? तो इनर मोस्ट, ओके प्रज्ञा, यस, व्हाट इज योर डाउट? एक्चुअली योर मैसेज इज नॉट देयर। ओके, तो गाइस शील्डिंग इफेक्ट में किसी को कुछ डाउट या फिर किसी को कुछ प्रॉब्लम पूछ लो। यस प्रज्ञा, टेल मी व्हाट इज योर डाउट? अगेन गाइज, सम पीपल आई डोंट नो वाई, बट उनका हैंड रेज होते ही रहता है, तो प्लीज वो अवॉइड करना, ठीक है? विच पार्ट प्रज्ञा, इन विच पार्ट यू आर हैविंग डिफिकल्टी? ओके, तो कैसे लिख दो जरा, चलो ये लिख दो, कंप्लीट कर दो। देखो याद रखना, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करेंगे एंड फिर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को चार्ज नहीं जाएगा। प्रज्ञा, इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? इज दिस योर फर्स्ट लेक्चर? ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। सो मेक श्योर कि आप पहला वाला फर्स्ट लेक्चर जो हम लोगों ने किया था वो देख लो, ठीक है? इसके पहले वाला लेक्चर एक बार देख लेना, एंड उसके बाद अगेन आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑल वो पता ही नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। डोंट वरी, विद प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस वो हो जाएगा। अभी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा, फर्स्ट लेक्चर रहने की वजह से ये हो सकता है, ठीक है? मतलब ये होगा ही, बट धीरे धीरे आपको यूज टू हो जाओगे आप। ओके, तो गाइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं जा पाता, प्रोटॉन का चार्ज नहीं जा पाता, एंड उसे ही हम लोग बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब मुझे बताओ, इस प्रोटॉन के ऊपर अगर समझो कि 13 प्लस 11 का चार्ज है, तो इस बाहर के इलेक्ट्रॉन को पूरा का पूरा चार्ज मिलेगा क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी क्या रहता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो प्रोटॉन का जो भी चार्ज है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पूरा चार्ज मिलने वाला है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के चार्ज से ज्यादा चार्ज मिलता है या कम चार्ज मिलता है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के चार्ज से ज्यादा चार्ज मिलता है या कम चार्ज मिलता है? कम चार्ज मिलता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड इफेक्टिव, ठीक है? इट इज कॉल्ड एज द चार्ज एक्सपीरियंस, द चार्ज experience by outermost, एक काम करो, न्यूक्लियर चार्ज लिखना, सिर्फ चार्ज मत लिखो, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस
बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है. एंड गाइस, जैसे तुम लोगों ने मुझे बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा कम होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला रहता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस रू, सॉरी जेड माइनस सिग्मा. ठीक है. अब गाइस, जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो तो तुम लोगों को पता है. ठीक है. जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज. एंड तुम लोगों ने मुझे बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही हमेशा जेड से कम रहेगा, ओरिजिनल चार्ज से कम रहेगा. तो सिग्मा जो रहता है वो स्लेटर कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? उसे हम लोग बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट. याद रखो, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं एंड उसमें हम लोग न्यूमेरिकल कभी नहीं सॉल्व करते, तो इट इज नेवर यूज. ठीक है. दिस फॉर्मूला इज नेवर यूज. इसके ऊपर तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं आएंगे. ओके गाइस, अगेन जिन लोगों का फर्स्ट लेक्चर चल रहा है या फिर जो लोग अभी अभी नए हैं, मेक श्योर तुम लोग लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दो. ठीक है. नोट्स बनाते रहो, बिकॉज क्या होगा अगर तुम लोगों ने अभी ऐसे सोचा कि अरे मुझे लाइव लेक्चर में, मतलब अभी ऑन गोइंग लेक्चर में ज़्यादा कुछ ग्रास्प नहीं हो पा रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं ये छोड़ के दूसरा कुछ कर लूँ, तो तुम लोगों के अभी के लेक्चर के नोट्स जो वो मिस हो जाएंगे. एंड फिर बाद में आगे जाके तुम लोग वापस यही लेक्चर देखोगे और वापस तभी तुम लोग नोट्स बनाते बैठोगे. उसी बदले अभी बैठ के आराम से नोट्स बनाते बैठो. ठीक है. आराम से नोट्स बनाओ एंड फिर उसके बाद तुम लोग वापस एक बार लेक्चर देख लेना, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा भगा भगा के. ठीक है. बट तुम लोगों को पहले के लेक्चर्स भी कवर कर रहे हैं एंड अभी जो चालू है वो लेक्चर भी देखने ही है. ठीक है. बिकॉज अगर तुम लोग अभी के लेक्चर मिस करोगे ना, तो तुम लोगों की कवर की स्पीड जो रहती है वो हमेशा, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, तुम लोग पहले के लेक्चर ज़्यादा फास्ट देखते नहीं हो एंड अभी के लेक्चर भी देखना बंद कर देते हो, तो अभी के लेक्चर बहुत आगे चले जाते हैं और तुम लोगों के पहले के ही खत्म नहीं होते रहते हैं, तो तुम लोगों को बाद में बहुत प्रेशर फील होता है. ठीक है. तो मेक श्योर तुम लोग ये मिस्टेक ना करो. बैठो लेक्चर में, आराम से नोट्स बनाते बैठो. एक पॉइंट के बाद तुम लोग जब नॉर्मल स्पीड पे पहुंच जाओगे तो तुम लोगों को ग्रास्प हो जाएगा. ठीक है. एंड अगेन, मेरे पढ़ाने की स्पीड पहले से थोड़ी सी फास्ट है, तो तुम लोगों को ये आदत भी नहीं होगी, तो तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा. बट विथ वन और टू लेक्चर हम लोगों की एक बार लिंक ये हो गए, सिंक्राइज हो गए, तो तुम लोगों को आदत पड़ जाएगी. ठीक है. ओके गाइस, तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, शील्डिंग इफेक्ट बेस्ड ऑन ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालना, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स. अब गाइस मुझे बताओ, मेरे पास कौन से ऑर्बिटल्स रहते हैं, पहला तो रहता है मेरे पास s ऑर्बिटल. अब मुझे बताओ s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, s ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन. अब p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं 6 इलेक्ट्रॉन. अब p ऑर्बिटल के अंदर टोटल 3 अलग ऑर्बिटल रहते हैं, एक रहता है px, दूसरा रहता है py और तीसरा रहता है pz. एंड हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, याद है ये, जस्ट तुम लोगों को थोड़ी सी रिवीजन करा रहा हूँ. इसके बाद आता है d ऑर्बिटल. मुझे बताओ d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं 10 इलेक्ट्रॉन. अब 10 इलेक्ट्रॉन, तो d ऑर्बिटल के अंदर टोटल 5 अलग अलग ऑर्बिटल्स रहते हैं, एक रहता है डी एक्स वाई, दूसरा रहता है डी एक्स जेड, तीसरा रहता है डी वाई जेड, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फाइनली डी जेड स्क्वायर. ठीक है. एंड ईच ऑफ देम कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. एंड फाइनली आता है एफ ऑर्बिटल, जो हम लोग यूजुअली स्टडी नहीं करते, इसके अंदर रहते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स. एंड अगेन इसमें टोटल 7 अलग अलग ऑर्बिटल्स आते हैं एंड हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं. तो गाइज याद रखो, हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2-2-2 ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं. एंड बाद में अगर एक ऑर्बिटल के अंदर एक से ज्यादा सब ऑर्बिटल्स है,
तो उनका अक्यूमुलेशन होके हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ठीक है। ये ऐसा कुछ हम लोगों ने एक जमाने में पढ़ा था। अब मुझे बताओ एस ऑर्बिटल का शेप क्या रहता है, मुझे बताओ एस ऑर्बिटल का शेप क्या रहता है। एस ऑर्बिटल का शेप रहता है गाइस स्फेरिकल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट करेक्ट। अब मुझे बताओ स्फेरिकल शेप में इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर की तरफ ही है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे अंदर की तरफ है। अब देखो तुम लोग एकदम एंडिंग में मुझे आंसर दोगे, अभी ये डायग्राम बना के रखो। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, ठीक है। डॉट मतलब कौन सा इफेक्ट है ये गाइस, ये वेव नेचर दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन के बाद पी ऑर्बिटल, मुझे बताओ अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, पी ऑर्बिटल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब मुझे बताओ गाइस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है एंड दो लोब है, तो ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा एंड नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। आर यू गेटिंग इट, ये ग्रास पूरा है क्या, देखो यहाँ पे टोटल दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे टोटल दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन और नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा है। अब मुझे बताओ गाइस बी ऑर्बिटल उसका शेप क्या रहता है, डी ऑर्बिटल का शेप रहता है डबल डंबल, ये डंबल था तो डी ऑर्बिटल का शेप हो जाता है डबल डंबल। डी ऑर्बिटल का शेप हो जाता है डबल डंबल। तो गाइस डबल डंबल के केस में अब मुझे बताओ हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक लोब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, मुझे बताओ यहाँ पे एक लोब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1/2, परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो, क्योंकि गाइस यहाँ पे चार लोब है तो एक लोब के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन, कितने रहने वाले हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं 1/2 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। अब गाइस एफ ऑर्बिटल की अगर मैं बात करने जाऊं तो इन केस ऑफ एफ ऑर्बिटल वो ऐसा कुछ रहता है, एक एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है। अब गाइस एफ ऑर्बिटल के केस में मुझे बताओ मेरे पास आठ लोब है बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहने वाले दो ही, तो अब एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 1/4, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस, तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या, एक यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन्स है तो एक ऑर्बिटल के अंदर 1/4 इलेक्ट्रॉन रहने वाले। मुझे बताओ विच ऑर्बिटल इज डेंसली पैक्ड विद इलेक्ट्रॉन, विच ऑर्बिटल is densely packed with electron, यहाँ पे 1/4 इलेक्ट्रॉन रहने वाले, obviously s orbital रहने वाले, ठीक है। तो guys यहाँ पे this is s orbital, this is p orbital, this is d orbital and this one is f orbital, and if you will see तो यहाँ पे highest electron density है, यहाँ पे high electron density है because एक लोब के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पैक्ड है, ठीक है, एक सर्कल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पैक्ड है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट यहाँ पे देखो ये बहुत रेयर है, बहुत 1/4 इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो यहाँ पे लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब मुझे बताओ गाइस अगर एस ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो एकदम अच्छे से शील्डिंग इफेक्ट कौन बता पाएगा, अगर एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम तगड़ी है, पावरफुल है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी उसका ही ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टूट पड़ेंगे एंड पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो मुझे बताओ एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शील्डिंग इफेक्ट क्या रहेगी, एकदम अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, strong shielding effect, strong
शील्डिंग इफेक्ट या फिर हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट, एंड यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर तुम लोगों को पूछा ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाएगा, सबसे अच्छा शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाएगा, एस ऑर्बिटल, फिर पी ऑर्बिटल, देन डी ऑर्बिटल, एंड लीस्ट शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा एफ ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हाई शील्डिंग इफेक्ट, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट। एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट सबसे गंदा रहता है, कुछ काम का नहीं रहता, ठीक है? तो देखो एंड लिखो, अभी तक कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछो। गाइज यस, यू ऑलवेज हैव टू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स विच आई एम ड्रॉइंग, ठीक है? गाइस एसई मतलब शील्डिंग इफेक्ट, एसई मतलब शील्डिंग इफेक्ट। चलो हो गया लिख के डन। सो गाइस नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है? अब ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल जो है वो हम लोग दो टाइप से देखने वाले हैं, ठीक है? तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल हम लोग दो टाइप से देखते हैं। एक देखते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ, तो एक हम लोग देखने वाले हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है? एंड दूसरा हम लोग देखने वाले हैं टॉप टू बॉटम। क्या देखने वाले? टॉप टू बॉटम, वर्ड्स में लिख देते हैं। ट्रेंड हम लोग दो टाइप से देखते हैं, एक देखते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है? एंड दूसरा हम लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है? अब गाइज मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जाएंगे, हम लोग जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, एंड सिमिलरली जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है? अब मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है या कम होते जाता है? अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, एटॉमिक नंबर बढ़ते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा कम होते जाएगा? मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा या कम होते जाएगा? ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाएगा, राइट गाइस? तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त याद रखो, लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जेड इंक्रीजेस। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं क्या? बट शेल्स बढ़ते जा रहे हैं क्या? तो शेल्स नहीं बढ़ रहे गाइस, गेटिंग इट? बट
नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, नंबर ऑफ शेल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब गाइज मुझे बताओ, डिस्टेंस उतना ही है, डिस्टेंस उतना ही है, बट प्रोटॉन का चार्ज बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे प्लस थ्री है, यहाँ पे प्लस फोर है, और यहाँ पे प्लस एट है। मुझे बताओ, डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का उतना ही रह रहा है अभी भी, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही है ऑलमोस्ट, एंड प्रोटॉन का चार्ज बढ़ते जा रहा है। मुझे बताओ, अगर जेड बढ़ेगा तो हम लोगों का जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला देखो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो जेड बढ़ते जाएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा या कम होगा? जेड इफेक्टिव भी बढ़ते जाएगा, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। अगर न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ना ही है, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। ये समझ में आ रहे, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। अब अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊं, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। अब अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 3, 11, 19, 37, 55, ठीक है, ये हम लोगों के एटॉमिक नंबर्स हैं। अब गाइस यहाँ पे मुझे बताओ क्या होगा। सबसे पहले मुझे बताओ, नीचे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जेड इंक्रीज हो रहा है क्या? तो जेड इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? जेड इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताओ, ऊपर से नीचे आते वक्त नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? ऊपर से नीचे आते वक्त नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं या कम होते हैं? तो गाइज यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। अब गाइज देखो, एकदम सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ। लिथियम का अगर एग्जाम्पल लूंगा तो लिथियम में प्रोटॉन का नंबर है 3, लिथियम में प्रोटॉन का नंबर है 3, और उसके पास दो शेल्स रहते हैं। कितने शेल रहते हैं उसके पास? दो शेल, एंड उसके आउटर मोस्ट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन रहते हैं, 11 प्रोटॉन, एंड इसके आउटर मोस्ट में तीन शेल रहते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो यहां पे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वापस, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ गाइस, क्या लगता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या सेम रह रहा है? तो गाइस देखो, अच्छे से देखो आप, मुझे बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से जेड इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जेड इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बट डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। देखो गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर जेड बढ़ रहा है, अगर जेड इंक्रीज हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होना ही चाहिए, ठीक है। बट मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ गया। अब इतने दूर तक हम लोगों को पहले एकदम नजदीक था, ये डिस्टेंस बहुत कम था, बट अभी ये इतने दूर पहुंच गए। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम होगा? डिस्टेंस बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, ठीक है, करेक्ट। तो गाइस मुझे बताओ, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना चाहिए था, बट डिस्टेंस बढ़ गया, एन बढ़ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने वाला है। तो एक फैक्टर बढ़ा रहा है, दूसरा फैक्टर कम कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? एक फैक्टर बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर कम कर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल कॉन्स्टेंट रहेगा, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जेड इफेक्टिव रिमेन्स कॉन्स्टेंट। गाइस याद रखो, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है बट इट रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो चलो, ये तुम लोगों के शब्दों में लिख दो, ये तुम लोगों को फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाजू का एक्सप्लेनेशन इतना याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा।
एन इज नंबर ऑफ शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इल्स नंबर ऑफ शेल्स. ओके गाइस, हो गया लिख के डन. सो नाउ नेक्स्ट. अब गाइस इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है, विच इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड जिसके अंदर बहुत सारे हम लोग एक्सेप्शन देखने वाले हैं, ठीक है. तो आज हम लोग जस्ट उसकी बिगिनिंग करेंगे, एटॉमिक रेडियस, ठीक है. तो लिख के नहीं हुआ है, ओके, कंप्लीट दिस.
यस गाइस सॉरी, जरा थोड़ा सा काम आ गया था। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ विल स्टार्ट विथ एटॉमिक रेडियस, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस। सेकेंड टॉपिक इज एटॉमिक रेडियस। अब ये एकदम इजी है, ठीक है? अब गाइस एटॉमिक रेडियस में हम लोग अलग अलग टाइप के रेडियस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले कोवेलेंट रेडियस। सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो वील सी अबाउट कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस के बाद हम लोग देखने वाले हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस के बाद हम लोग देखेंगे मेटालिक रेडियस। एंड फोर्थ हम लोग देखेंगे वैंडरवाल्स रेडियस। अब गाइस याद रखना, आयनिक रेडियस जो है वो हम लोग इसके बाद एटॉमिक रेडियस के बाद पढ़ने वाले हैं। तो अभी एटॉमिक रेडियस में मैं तुम लोगों को तीन ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोवेलेंट, मेटालिक एंड वैंडरवाल्स, ठीक है? ये इतना समझ में आ रहा है, ठीक है? नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? अब कोवेलेंट रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कोवेलेंट रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट, एक काम करते हैं, कोवेलेंट नहीं, हम लोग पहले मेटालिक देखते हैं। जरा मेटालिक इजी करेगा हम लोगों के लिए, तुम लोगों को समझने में भी इजी जाएगा। तो विल स्टार्ट विद मेटालिक रेडियस। अब गाइस मेटालिक बॉन्ड कैसे रहते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड मतलब क्या, तो मेटल एक दूसरे को चिपका हुआ रहता है। तो मेटल, मुझे बताओ, मेटल मेटल कभी ओवरलैप करेंगे क्या? मेटल कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ओवरलैप करते हैं क्या? गाइस मुझे बताओ, मेटल ये कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ओवरलैप करते हैं क्या? नहीं करते, करेक्ट? तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं रहने वाली। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे रहता है गाइस? कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे दिखता है, ये इधर और ये इधर, कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कुछ दिखता है। बट यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं, मेटल के एटम या रिजिड एटम्स रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर पाते। अब मुझे मेटल की रेडियस निकालनी, मुझे बताओ गाइस रेडियस कितनी रहती है? रेडियस यूजुअली रहती है इतनी, ये इतना पार्ट रेडियस है, करेक्ट और रॉन्ग? मुझे ये इतनी सी रेडियस चाहिए। बट जब मैं कैलकुलेट करने जाता हूँ ना गाइस, जब मैं इंस्ट्रूमेंट यूज करके कैलकुलेट करने जाता हूँ, तो मुझे रेडियस नहीं मिलती, मुझे बॉन्ड लेंथ मिलती है। मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ मतलब क्या रहती है? मुझे बताओ बॉन्ड लेंथ मतलब क्या रहती है? बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू एटम्स। गाइस याद रखो, तुम लोग जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके रेडियस फाइंड आउट करने जाते हो, तो तुम लोगों को रेडियस डायरेक्ट नहीं मिलती, तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ मिलती है। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स मेरे पास है, मेरे पास बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड लेंथ से मुझे बॉन्ड लेंथ नहीं चाहिए, अभी मेटालिक रेडियस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं बॉन्ड लेंथ को ऐसे बीच में से कट करूंगा। आर यू गेटिंग इट? मैं बॉन्ड लेंथ को बीच में से कट करूंगा, मतलब डिवाइड बाई टू करूंगा, करेक्ट बोल रहे हो? तो मेटालिक रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मेटालिक रेडियस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल, डिस्टेंस बिटवीन मेटल मेटल डिवाइडेड बाय टू, समझ में आ रहा है? विच इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय टू, ये समझ में आ रहा है क्या? देखो, ठीक है, या फिर तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ मेटल प्लस रेडियस ऑफ मेटल, रेडियस ऑफ टू मेटल is equals to distance, या फिर is equals to bond length, ठीक है? ये देखो, इसमें किसी को शक, सिर्फ divide by two कर रहे हैं, that's it, nothing else, ठीक है? metallic radius सबसे easy रहती है, metallic radius सबसे easy है। अब a पे जाते हैं, a वाला part covalent radius, covalent radius। अब guys covalent radius में क्या होता है, covalent bond बनते वक्त atoms जो है वो एक दूसरे के ऊपर overlap करते हैं। इसमें पार्ट वन लिखो, इसमें पार्ट वन, सेम एटम्स आर देयर, सेम एटम है, सेम एटम्स, या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब गाइस सेम एटम्स अगर रहेंगे तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये फर्स्ट एटम आया, ये सेकेंड एटम आया, और इन दोनों ने ओवरलैप कर लिया।
अब दोनों के ओवरलैप के बाद मुझे बताओ गाइस, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ तुम लोगों को मिलने वाली है, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ तुम लोगों को मिलने वाली है, इसे जब मैं हाफ करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट रेडियस मिलेगी क्या? ये इसकी बॉन्ड लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर, इसका जब मैं हाफ करूंगा तो मुझे एग्जैक्ट रेडियस मिलने वाली है क्या? बताओ जरा, इसे जब मैं हाफ कर रहा हूं तो मुझे एग्जैक्ट रेडियस मिल रही है क्या? इसका हाफ करने के बाद मुझे एग्जैक्ट रेडियस मिल रही है? नहीं मिल रही है। बट गाइस मुझे बताओ, तुम लोगों के पास और कोई अच्छा ऑप्शन है क्या? मुझे बताओ तुम लोगों के पास कोई और कोई अच्छा ऑप्शन है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो गाइज यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस उसका फॉर्मूला भी क्या हो जाता है? बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, या फिर कोवेलेंट रेडियस प्लस कोवेलेंट रेडियस, या फिर ये दोनों एटम्स ए है ऐसे पकड़ लो, ये ए एटम है, ये भी ए एटम है, तो रेडियस ऑफ ए एटम प्लस रेडियस ऑफ ए एटम इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इसमें किसी कोई डाउट, हम लोगों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग वो जो ओवरलैप है वो बहुत छोटा है मान के इग्नोर कर देते हैं, हम लोग वो ओवरलैप जो है वो बहुत छोटा है मान के इग्नोर कर देते हैं। गेटिंग इट? कंप्लीट दिस गाइस। ए और ए ओवरलैप कर सकते हैं, ए और ए ओवरलैप कर सकते हैं, और वही ओवरलैप हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वही ओवरलैप हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है गाइस, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, बट वो ओवरलैप जो है बीच वाला हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, डीएमएम, अरे गाइस डीएमएम मतलब डिस्टेंस बिटवीन मेटल मेटल एटम्स, यहाँ पे डीएमएम जो मैंने लिखा है वो है डिस्टेंस बिटवीन मेटल मेटल एटम, मतलब बॉन्ड लेंथ, और कुछ नहीं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, एक चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स रह सकती है। अब गाइस उसके बाद कोवेलेंट रेडियस में व्हेन हेटरो एटम्स आर देयर, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस में व्हेन हेटरो एटम्स आर देयर, व्हेन हेटरो एटम्स आर। अब गाइस मुझे बताओ हेटरो मतलब क्या? तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स आने वाले, अलग अलग एटम्स आने वाले। ठीक है, अब गाइस जब अलग अलग एटम्स आएंगे तो क्या होगा, अच्छे से देखना। मुझे बताओ एक सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लोगों को पता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट लोगों को पता है? कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया ना? बोलो बोलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पता है या नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता? अरे थोड़ा तो पता होगा, बिल्कुल नहीं पता। ओके तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? तो मेरे पास एक ए एटम है और मेरे पास एक बी एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम नेगेटिविटी मतलब क्या? तो एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। अब मैं अगर बोल रहा हूँ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। गाइस अच्छे से सुनना, ये यहाँ पे शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है, एंड इफ आई एम सेइंग बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बी क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ बी जब अपने इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो दोनों एटम्स नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? मुझे बताओ बी जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी जब इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये नजदीक आएंगे, ऑब्वियस है। ये ए को अपनी तरफ खींच रहा है, इन जनरल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर रहा है। तो व्हेन टू इलेक्ट्रॉन हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? ये दोनों नजदीक आएंगे बिकॉज बी उनको, बी अपनी तरफ खींचेगा उसे, तो बॉन्ड की लेंथ कम होगी। वेरी नाइस। तो
तो बॉन्ड की लेंथ गाइस देखो, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी इतनी रहनी चाहिए थी, बट वो अभी और कम हो जाएगी एंड इट बिकम्स माइनस 0.09 शाई ए माइनस शाई बी विच इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला होता है गाइज। ये फॉर्मूला तुम लोगों को कभी भी कोई भी एग्जाम में यूज करने नहीं मिलेगा, बट स्टिल एडवांस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोगों को ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो एडवांस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नो इट, नथिंग एल्स। ठीक है, इसके ऊपर तुम लोगों को थोड़े बहुत क्वेश्चन में दूंगा सॉल्व करने के लिए, डोंट वरी। अभी के लिए ये फॉर्मूला लिख दो। अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, अभी तक हम लोग सिर्फ बेस बना रहे हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आना स्टार्ट होगा तो तुम लोगों को ज्यादा मजा आएगा, अभी तक हम लोग सिर्फ थियरी और बेस बना रहे हैं। ठीक है, वॉट इज इन द ब्रैकेट, वॉट इज इन द ब्रैकेट, अच्छा हाँ ओके, दैट इज शाय ए एंड शाय बी, करेक्ट। तो गाइस शाय ए मतलब क्या, शाय ए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड शाई बी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, तो गाइस शाई ये शाई है, ठीक है, इसे कोई ची नहीं बोलेगा, चाय नहीं बोलेगा, इसे सब जन शाई बोलेंगे, शाओमी का चाय। ठीक है, तो लिख दो, ये कंप्लीट करो। चलो, अभी तक हम लोगों ने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, रिमेम्बर दिस। ठीक है, अभी तक हम लोग सिर्फ बेस बना रहे हैं, एक बार बेस अच्छे से बन गया तो तुम लोगों को बाकी क्वेश्चन आंसर करने में बहुत मजा आएगा और वो बहुत इजीली होंगे भी। ओके गाइस, यहाँ तक हो गया क्या, यहाँ तक हो गया है, आगे बढ़े। एंड लास्ट टाइप ऑफ रेडियस इज वैन डर वाल्स रेडियस। अब गाइस वैन डर वाल्स रेडियस क्या रहती है, डी वैन डर वाल्स रेडियस अब देखो, इफ आई हैव अ नोबल गैस, मेरे पास कौन सी गैस है, नोबल गैस, लेट्स अज्यूम मेरे पास हीलियम है, कौन सी गैस है, हीलियम, अच्छे से देखना गाइस, मुझे बताओ हीलियम कभी बॉन्ड बनाता है क्या, मेरे पास हीलियम गैस है, हीलियम कभी बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं बनाता, करेक्ट। अब गाइस समझो हीलियम के दो एटम्स हैं ऐसे आजू बाजू में और वो एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन में तो आ सकते हैं ना, दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं है, बट वो एक दूसरे के डायरेक्शन में तो आ सकते हैं, आ सकते कि नहीं आ सकते, डेफिनेटली आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। अब गाइस ये जैसे ही ऐसे नजदीक आना स्टार्ट हुए तो देखो हो रहा क्या, ये सेकेंड हीलियम के प्रोटॉन ने फर्स्ट हीलियम के इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, मतलब देखा और उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की, एंड इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ये समझ में आ रहा है, सेकेंड हीलियम का प्रोटॉन फर्स्ट हीलियम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एंड फर्स्ट हीलियम का प्रोटॉन सेकेंड हीलियम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, गेटिंग इट, ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है, जिसके वजह से ये नजदीक आएंगे। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ रहा है, वैन डर वाल्स रेडियस में ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह रहा है जिसकी वजह से ये नजदीक आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को अगर कोई बाजू वाला प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको अच्छा लगेगा क्या, मुझे बताओ इस प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन को कोई बाजू वाला प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहा है इस प्रोटॉन को अच्छा लगेगा क्या, बिल्कुल नहीं लगेगा। जब ये बहुत नजदीक पहुंचेंगे, जब ये बहुत नजदीक पहुंचेंगे तो ये दोनों प्रोटॉन देखेंगे एक दूसरे को कि भाई अच्छा तू मेरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के अंदर सेम चार्ज है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। आर यू गेटिंग इट गाइस, मुझे बताओ ये दो हीलियम ऐसे नजदीक आना स्टार्ट हुए, ये नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं,
फिर प्रोटॉन ने एक दूसरे को देखा, फिर ये रिपेल होना स्टार्ट हुए, बट फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से अट्रैक्ट हो रहे, रिपेल अट्रैक्ट, रिपेल अट्रैक्ट, रिपेल अट्रैक्ट, मतलब मिनिमम डिस्टेंस मुझे बताओ इसके और नजदीक आ पाएंगे क्या, ये इसके और नजदीक आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे। एक मिनिमम डिस्टेंस रहने वाले दोनों के अंदर, देखो ये दोनों नजदीक आ रहे हैं और दोनों के बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस रहेगा जहां पे आके उसके आगे ये नहीं जा पाएंगे, बिकॉज दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आर यू गेटिंग इट? एंड दिस मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल्स रेडियस। इस मिनिमम डिस्टेंस को ही हम लोग वैन डर वाल्स रेडियस बोलते हैं, सॉरी वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। एंड इस वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ को हम लोग जब बीच में से कट करेंगे, इस वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ को हम लोग जब बीच में से कट करेंगे तो हम लोगों को मिलती है वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, तो गाइस वैन डर वाल्स रेडियस इज नथिंग बट वैन डर वाल्स बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वैन डर वाल्स डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, कोई शक? अब अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं, कंपैरिजन मुझे बताओ गाइस सबसे बड़ी रेडियस कौन सी थी? वैन डर वाल्स रेडियस सबसे बड़ी है, कोवेलेंट रेडियस सबसे बड़ी है, कोवेलेंट रेडियस सबसे बड़ी है, या मेटालिक रेडियस सबसे बड़ी है? मुझे बताओ बिगेस्ट रेडियस कौन सी थी, वैन डर वाल्स, कोवेलेंट या मेटालिक? सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है गाइस? सबसे बड़ी रेडियस गाइस तुम लोगों को दिख रहा होगा वैन डर वाल्स है। यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा की स्पेस आ रही है ना, उल्टा यहाँ पे एक्स्ट्रा की स्पेस बच रही है, तो सबसे बड़ी रेडियस रहती है वैन डर वाल्स रेडियस। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस सेकंड नंबर किसका आएगा? मेटालिक का आएगा, जिसमें ये उल्टा ओवरलैप हो रहा है, सॉरी कोवेलेंट का आएगा जिसमें ये ओवरलैप हो रहा है, या मेटालिक होगा जिसमें ओवरलैप नहीं रहता? वेदांत करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो सेकंड नंबर मेटालिक का आएगा, दिख रहा है गाइस मेटालिक में ये इतना पूरा डिस्टेंस आ रहा है, बट कोवेलेंट में ये इतना हाफ डिस्टेंस ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये इतना हाफ डिस्टेंस ही आता है, तो सेकंड नंबर मेटालिक रेडियस का आएगा, परफेक्ट, सेकंड नंबर आता है मेटालिक रेडियस का। एंड लास्ट नंबर किसका आएगा? कोवेलेंट रेडियस का। ठीक है गाइज, मैंने पहले ही बोला था आयनिक रेडियस हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, आयनिक रेडियस ऊपर मैंने तुम लोगों को लिख के दिया है ना टॉपिक्स, इधर गए वो टॉपिक, आयनिक रेडियस ये हम लोगों का थर्ड टॉपिक है जो हम लोग एटॉमिक रेडियस में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले से बता के रखा था, बताया था ना, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तुम लोग इतना लिख दो। ओके, तो गाइज अभी भी टाइम बाकी तो है, बट आई गेस तुम लोगों की लिमिट अभी रीच हो गई होगी। ठीक है, आज का टॉपिक थोड़ा सा थियरी वाला था, इतना मजेदार नहीं था, तो आई थिंक वी कैन स्टॉप नाउ। अच्छा, अभी तक ताकत है, कंटिन्यू करना है क्या? ओके, सम पीपल आर सेइंग यस यस, बट सम पीपल आर, ओके, ओनली वन पर्सन इज सेइंग नो। ओके, तो ओके, मैंने पीपल, ओके, चलिए पहले एक दो कंप्लीट दिस, ये लिख के कंप्लीट करो। क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन करने जितना अभी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन, और अभी इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वहां से हम लोगों का प्रॉपर क्वेश्चन आंसर वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आई थिंक विल स्टॉप ओवर हियर, बिकॉज अभी अगर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया तो पूरा 10 o'clock तक लेक्चर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा, तो इट्स बेटर विल स्टॉप ओवर हियर, एंड नेक्स्ट टाइम फ्रेश माइंड से एकदम मस्त क्वेश्चन आंसर वाले टॉपिक करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो गाइस चलो विल स्टॉप ओवर हियर, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।